हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला जी। इनको उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने के लिए एक समिति बनाई गई है, उसका प्रमुख बनाया गया है। सर, क्या काम रहेगा आप लोगों को, जो समिति बनाई गई है, ब्राह्मणों को किस तरीके से साधेंगे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से गलत तरीके से यह फैला रही है कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से या ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने नहीं किया, हम ये बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी हैं, इसके अतिरिक्त किसी ने भी नहीं किया है। तो उसको हम जगह जगह बताएंगे, इन लोगों का भंडाफोड़ करेंगे कि अगर चुनाव में कोई बात आती है तो हम टिकट को ही लेकर, जितना टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया ब्राह्मणों को किसी ने नहीं दिया। आज राज्यसभा में जितने सदस्य उत्तर प्रदेश से ही गिन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण है, किसी के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का यह झूठा बयान, हम लोग उन्हीं के बयान को उनके मुंह पर थोपने जा रहे हैं। सर, आप लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी की और एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की मांग पत्र को सौंपा। क्या कुछ था उस मांग पत्र में, क्या कुछ मांग की गई? नहीं, ऐसा कोई मांग पत्र नहीं था। कुछ लोगों का था, उनको कुछ आवश्यकताएं वो रही है, उसको जो है हमारे बृजेश पाठक जी ने उसको उकर करके दिया है। मुझे लगता है कि जो भी फैला रहा है, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारत में ब्राह्मण अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस नाते कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। इन सभी लोगों ने जाति का संगठन चलाया है, हम राष्ट्रीयता के आधार पर काम करते हैं और ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो समिति बनाई गई है वो काम किस तरीके से करेगी, किस तरीके से ब्राह्मणों के बीच में उत्तर प्रदेश में जाएगी और अपनी बातों को उनके बीच में रखेगी? देखिए, यह एक दिन का विषय नहीं है, ये रोज का है। और जो है उस समय 2016 में भी हम लोगों ने इस काम को किया था, 14 में भी इस काम को किया था, उसके पहले भी किया था। तो मुझे लगता है जब माननीय अमित शाह जी प्रभारी होकर के आए थे तब भी हम लोगों से वो किए थे और हम लोग जाकर के बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम किए थे, ये कोई नई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल है, समिति के सदस्य कौन कौन है? समिति के सदस्य प्रारूप समिति है, उसका कोई वो नहीं है। इसमें कौन कौन सांसद हैं? नहीं, कोई सांसद और नेता का क्या मतलब है, ये आप अपने पता करिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला, जिनका कहना है कि जिस तरीके से दुष्प्रचार हो रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि ब्राह्मणों को अहित हुआ है, उनका भंडाफोड़ करने का काम भाजपा की जो समिति बनाई गई ये करेगी और ब्राह्मणों के बीच में जाके प्रचार करेगी। कमिश्नर विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।